कि सपोज करो आपके पास ये एक डायग्राम गिवन होगा किसी भी ऑब्जेक्टिव में कि एक्सेलरेटेड फ्रेम है और पानी की शेप ऐसी है, मेकिंग एंगल ऑफ थीटा। आपको कोई ए पॉइंट देगा सच दैट ए पॉइंट की हाइट वर्टिकल नहीं देगा, टेढ़ी देगा एच, और किस डायरेक्शन में देगा, जी अफेक्टिव के डायरेक्शन में देगा, क्योंकि हमें पता है जी अफेक्टिव क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ जी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, जिसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ये एच ऐसे है, ठीक है। आपसे पूछेगा ए पॉइंट का प्रेशर क्या है, तो ए पॉइंट का प्रेशर में एटमोस्फेरिक तो होगा होगा, तो लिक्विड की वजह से प्रेशर क्या होगा, एच रो जी। पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो एच हाइट है वो वर्टिकल नहीं है, अगर वर्टिकल होती तो मैं जी यूज करता, यहां पर जी अफेक्टिव की तरफ है, तो एच रो जी नहीं जी अफेक्टिव लिखेंगे, और जी अफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ऑब्जेक्टिव में मार्क करना पड़ेगा, ठीक है तक, राइट। जैसे मान लो ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में फिर से सेम केस है, एक वेसल है और एक्सेलरेट कर रहा है और डायग्राम ऐसा गिवन है सच दैट इस बार ए पॉइंट की वर्टिकल हाइट गिवन है एच, टेढ़ी नहीं गिवन, इस बार वाई एक्सिस में गिवन है, सीधी हाइट गिवन है कितनी एच। ये जो कोने का पॉइंट है, बिल्कुल कोने का पॉइंट है, देखो इसके ऊपर पानी है नहीं, तो यहां पर कौन सा प्रेशर एक्ट करेगा, पी एटमोस्फेयर, पी एटमोस्फेयर काम करेगा यहां पे अकेला, और यहां पे ये डिस्टेंस क्वेश्चन में एल गिवन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एच गिवन है। आपको ए पॉइंट का प्रेशर मार्क करना है ऑब्जेक्टिव में, ए पॉइंट का क्या प्रेशर है, आपको ऑप्शन दो तरीके से दे सकता है, पूछ सकता है वो। पहला वर्टिकल में, अगर आप अपनी इक्वेशन वर्टिकल से निकालते हैं तो ए पॉइंट का प्रेशर, और यहां पर कौन सा प्रेशर है टॉप पे, पी एटमोस्फेयर, माइनस पी एटमोस्फेयर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एच रो जी, जी क्यों, क्योंकि हाइट जी की तरफ है, पहले वाले क्वेश्चन में एच हाइट जी अफेक्टिव की तरफ थी, समझ में आ रहा है यहां तक। तो यहां से ए पॉइंट का प्रेशर क्या आएगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, पहला आंसर क्लियर है, सही है, लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव के अंदर ये ऑप्शन गिवन नहीं होगा, आपको एल की फॉर्म में गिवन होगा, तो कोई बात नहीं। अब जब वेसल आगे मूव कर रहा है तो पानी पीछे जा रहा है, बस ये बताओ कि ए पॉइंट का प्रेशर बड़ा होगा कि इस पॉइंट का बड़ा होगा, ए का बड़ा होगा कि इस पॉइंट का बड़ा होगा, ए का बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ए इस पॉइंट पर सिर्फ एटमॉस्फेयर है, इस पॉइंट पर एटमॉस्फेयर भी होगा और पानी भी तो है, तो ए पॉइंट का बड़ा होगा, सही है। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कॉन्सेप्ट लगाऊं तो प्रेशर एट ए माइनस पी एटमॉस्फेरिक, अब मैं कहां लगा रहा हूं, एक्स एक्सिस में, विल बी इक्वल टू हाइट की जगह एल रो जी नी, एक्स एक्सिस में जी नहीं होता, एक्स एक्सिस में यहां पर क्या है, ए, एच रो जी की जगह एल रो ए, तो यहां पर एल रो ए, तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक को राइट पे ले जाओ, ये ए है, जी नहीं है, ये ए करेक्शन करो, ए है ये, तो आंसर क्या आएगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस एल रो ए, तो ये ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आ सकता है, उसकी मर्जी है, वो आपको ऑप्शन ये दे या ये दे, उसकी मर्जी है। समझ में आ रहा है कि एक्स में, एक्स एक्सिस में कभी भी जी नहीं लेना, वाई एक्सिस में हमेशा जी लेना, समझ में आ रहा है यहां तक। तो कैसे यूज करना है, सेम कॉन्सेप्ट फिर से आ जाता है। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिर से क्या क्वेश्चन है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ क्लोज्ड एक्सेलरेटेड कंटेनर, बिल्कुल कंटेनर बंद है, बिल्कुल बंद है, तो पानी से भरा पड़ा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है, अब पानी पीछे कैसे जाए, तो मैंने इसकी डायरेक्शन ही पानी कैसे ड्रॉ कर दी कि पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अब क्या करूं, पानी तो भरा पड़ा है, तो अगर थोड़ा सा खाली होता तो ऐसे बनाता डायग्राम, तो ऐसे की बजाय थोड़ा टेढ़ा कर दो,
ठीक, सूडो फोर्स है। अब ये बताओ कि जो कोने का पॉइंट पी है, कंटेनर बंद है, एयर का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा? जीरो। एटमोस्फेयर है ही नहीं इसके ऊपर, तो बिल्कुल बंद है, एयर तो है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा? यहाँ पर जीरो। और पानी का, पानी की कोई हाइट है नहीं, तो पानी भी यहाँ पर प्रेशर लगाएगा नहीं, तो ये जो पॉइंट होगा ये मिनिमम प्रेशर का होगा, कोने का पॉइंट जीरो प्रेशर का होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन होगा क्यू पॉइंट, जिसकी हाइट वर्टिकल में एच है और हॉरिजॉन्टल में एल है। आपको क्यू पॉइंट का प्रेशर बताना है इन टर्म्स ऑफ एल एंड एच बोथ। तो एक काम करेंगे, पहले इक्वेशन लगाएंगे हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल के अंदर इक्वेशन कैसी लगेगी, या चलो पहले वर्टिकल लगाते हैं, एक पॉइंट बी है एक पॉइंट ए है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी माइनस प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, ये हाइट कितनी है एच, एच इंटू डेंसिटी इंटू कितना जी। पर ए पॉइंट का प्रेशर क्या है यहां पर जीरो, तो बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा एच रो जी, वाई एक्सिस से आ गया। अब क्यू पॉइंट का प्रेशर निकाल लें, क्यू पॉइंट का प्रेशर क्यू और बी का पॉइंट ले लो हॉरिजॉन्टल में, तो प्रेशर एट क्यू माइनस प्रेशर एट बी इज इक्वल टू एल रो जी, नहीं जी की जगह ए। तो इस बी के प्रेशर को यहां पे पुट कर दो, जो कि क्या आएगा एच रो जी इज इक्वल टू एल रो ए, तो यहां से क्यू पॉइंट का प्रेशर आएगा एच रो जी प्लस एल रो ए, ऑब्जेक्टिव के अंदर से मार्क कर लेना। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपने कैसे हैंडल करनी है। तो कुछ नहीं करना, एक वाई एक्सिस में एक एक्स एक्सिस में दोनों को लगा के अपने आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि ये रूल क्या लगेगा इसमें, ठीक है यहां तक? ठीक, इसमें किया हुआ है ये रहा सेम।